हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जी जॉब्स इन्फो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। गाइस, एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ लेके फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लेके आए हैं आप ही की डिमांड पे, आप ही की रिक्वेस्ट पे, जिसमें हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा था कि सर, JKPSI का जो सिलेबस है प्रीवियस ईयर का, जो 2017 में निकाला गया था सर, उसके बारे में बताइए। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है और इस वीडियो में हम बात करेंगे इन डिटेल, डेप्थ में हम एनालिसिस करेंगे कि JKPSI का सिलेबस क्या रहा था। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। तो चलिए देख लेते हैं क्या है सिलेबस JKPSI का। तो फ्रेंड्स, ये रहा वो सिलेबस। अगर आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस जो है, क्योंकि ये पेज जो है थोड़ा डल है, अगर इसकी ब्राइटनेस नहीं है तो अपने फ़ोन की ब्राइटनेस थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं, मैं आपको बता दूं गाइस, जो ये पोस्टें निकाली गई थी SI की, इसमें एग्जीक्यूटिव और आर्मर्ड में पोस्टें थी और इसके साथ साथ टेलीकॉम में पोस्टें थी। तो मैं आपको बता दूँ, एग्जीक्यूटिव और आर्मर्ड का सिलेबस अलग था और टेलीकॉम जो था उसका अलग सिलेबस था। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव आर्मर्ड जो पुलिस में SI की वैकेंसी थी उसका सिलेबस क्या था। मैं आपको बता दूं गाइस, सबसे पहले जिन लोगों को पता नहीं है, JKP में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उनकी एज जिन लोगों को पता नहीं है, 18 से 28 साल तक एज होती है। उसके बाद SI की वैकेंसी के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है ग्रेजुएशन। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस क्या है। गाइस, क्वेश्चंस की बात कर ले तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है 120 क्वेश्चंस, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। ड्यूरेशन जो है 2 घंटे का दिया गया था और वेटेज की बात कर ले तो आपके रिटन एग्ज़ाम की वेटेज 85% दी जाती है एग्ज़ाम में। और जो 15% वेटेज होती है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ये वेटेज जो होती है इसमें आपका वाइवा और फिजिकल PET जो होता है उसके मार्क्स ऐड किए जाते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस को। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आपका सिलेबस में दिया गया था वो था करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि इसमें करंट अफेयर पूछा गया था आपका, जो 2017 का गाइज ये सिलेबस है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, इसमें आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एंशंट एंशंट मेडिवल और मॉडर्न, ये गाइस यहाँ पे आपको पूछी गई थी। ठीक है, उसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर लें तो यहाँ पे आपको इंडिया की और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही पढ़नी थी, उसमें फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड पूरा आपको डेप्थ में पढ़ना था। उसके बाद जो नेक्स्ट जो सिलेबस में मेंशन किया गया है वो है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू एट्सेट्रा, यानी कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना था। नेक्स्ट जो इसमें बताया गया है सिलेबस में, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एट्सेट्रा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट जो है जनरल साइंस। तो गाइस, जनरल साइंस में आपको आप जानते हो इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले आती है फिजिक्स, फिर आती है केमिस्ट्री और फिर आती है आपकी बायो। नेक्स्ट जो है जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है गाइस, और फिर है बेसिक न्यूमरेसी, नंबर एंड द रिलेशन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो गाइस, ये आर्मर्ड और एग्जीक्यूटिव के लिए पूछा गया था सिलेबस। अब हम डिस्कस करेंगे जो टेलीकॉम में निकली हुई वैकेंसी थी उसके लिए क्या सिलेबस था। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे जो टेलीकॉम का सिलेबस था उसमें करंट इवेंट यानी कि करंट अफेयर पूछा गया था। उसके बाद हिस्ट्री जो कि आपके एग्जीक्यूटिव में भी ये सिलेबस में था, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज वगैरह वगैरह, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, ये सेम सिलेबस था उसके आर्मर्ड और एग्जीक्यूटिव का भी। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, जनरल साइंस, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी वो थी
मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड एंटीनाज, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, मल्टीप्लेक्सिंग एंड मोबाइल टेलीफोनी और कंप्यूटर बेसिक और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। तो गाइज ये था सिलेबस जो कि 2017 का जो ये वैकेंसी निकली थी उसका सिलेबस है। तो गाइज वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।